हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज आया हूँ मैं इस्कॉन टेंपल, जो कि द्वारका सेक्टर 13 में पड़ता है, नियर बाय मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 13 पड़ेगा। और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। ये सामने गाइस हमारा इस्कॉन टेंपल है। गाइस आप सामने की तरफ से यहाँ से माला फूल खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको पूजा से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। गाइस इस्कॉन के सामने आप गाड़ी लगा सकते हो, काफी चौड़ा रोड है, यहाँ पर गाड़ियाँ आसानी से पार्किंग में लग जाती हैं। गाइस ये सामने की तरफ मेन गेट है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ माला फूल आपको मिल जाएंगे, पूजा से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। गाइस ये बाएं तरफ हमारा जूता घर है, यहाँ पर जूते के लिए रैक लगे हुए हैं, आप अपने जूते यहाँ पर जमा करवा सकते हो। गाइस यहाँ पर मंदिर के बाहर साफ सफाई का काफी ध्यान रखा गया है, आप यहाँ पर आते हैं तो साफ सफाई का ध्यान रखें। तो गाइस मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें टेम्पल डेली प्रोग्राम शेड्यूल के बारे में बताया गया है, किस टाइम पर कौन सी आरती होती है। आप यहां पर पता लगा सकते हो कि किस टाइम पर कौन सी आरती करवाई जाती है। गाइस हम आ गए हैं अंदर की तरफ। अंदर सामने की तरफ हमारा मेन गेट है, ये इस्कॉन टेम्पल है। गाइस ये मंदिर काफी फेमस मंदिर है, आप यहाँ पर एक बार जरूर आए, क्योंकि आपको यहाँ पर आके काफी अच्छा लगेगा। तो गाइस सामने की तरफ हमारा चक्रव्यूह रखा गया है, उसके लेफ्ट साइड में ये देखिए गाइस कितना प्यारा सजाया गया है, फूल पौधे भी हैं और सामने बोर्ड भी लगाए गए हैं। ये देखिए गाइस गाइस मंदिर को यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया है। गाइस यहाँ पर पेड़ पौधों की रक्षा के लिए काफी ध्यान रखा गया है। गाइस ये शाम के टाइम यहाँ पर एक शॉप लगती है, जिसमें आप गिफ्ट खरीद सकते हो। यहाँ पर गिफ्ट अनेक प्रकार के आपको मिल जाएंगे। गाइस अगर आप राधा कृष्ण के भक्त हैं तो आप एक बार इस मंदिर में जरूर आएं, क्योंकि यहाँ पर आने से सभी मनोकामनाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। चलो गाइस अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। गाइस इस मंदिर में आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपके मन और दिल से एक ही आवाज निकलेगी, वो है हरे कृष्णा राधे राधे। गाइस मंदिर को अंदर की तरफ से काफी अच्छा सजाया गया है, रिबन लगाए गए हैं, फूल का प्रयोग किया गया है। गाइस इस मंदिर के अंदर तीन तरफ खिड़कियां लगी हुई हैं और फॉल सीलिंग भी करवाई गई है। गाइस मंदिर काफी अच्छा और खूबसूरत दिखता है। ये देखिए गाइस लाइटिंग भी काफी अच्छी यहाँ पे दिख रही है। दोस्तों यह मंदिर देखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों इस मंदिर में काफी साफ सफाई है और शांति का काफी ध्यान रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 4 बजे से भगत आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 5 बजे का टाइम यहाँ पर आरती का होता है। दोस्तों आप मंदिर की सजावट को देख सकते हो, कितना अच्छा सजाया गया है। दोस्तों यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगती है, जन्माष्टमी पर यहाँ पर एक मेले की तरह दिखाई देता है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गाइस आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये हमारा भगवान का एक गेट है, जिस गेट को ओपन किया जाएगा। भगत इसका बेड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह करेक्ट 5 बजे की टाइमिंग में खुलता है। इस सामने की तरफ आप देख रहे हैं, जब ये पर्दा खुलेगा तब भगवान हमारे सामने एक जन्नत की तरह दिखाई देंगे। यह दरबार काफी खूबसूरत है, जब यह पर्दा हटेगा तब एक जन्नत की तरह दिखाई देगा। सभी भक्त बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 बजे की आरती का समय होता है। आरती शुरू होने में बस 5 ही मिनट बाकी है। दोस्तों यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और 5 बजे के समय बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों पर्दा खुलने ही वाला है, ये देखिए गाइस पर्दा खुल चुका है। ये देखिए गाइस मंदिर कितना प्यारा सजाया गया है, दरबार को बहुत ही प्यारा सजाया गया है। ये देखिए दोस्तों आपके सामने दरबार पूरा खुल चुका है। Thank you.
इस मंदिर में कूलर भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर ठंडी हवा भक्तों को मिलती रहे। दोस्तों अब चलते हैं बार की तरफ। दोस्तों यह एक अलग से एरिया बना रखा है जिसमें हमारा भंडारा करवाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर भंडारा चल रहा है, अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखो गाइज, ये देखिए गाइज, लोग यहाँ पर भंडारा खा रहे हैं। काफी अच्छा बड़ा स्पेस बना रखा है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, फैन भी लगा रखे हैं। ये देखिए गाइस, यहां से भंडारा बांटा जाता है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों यहां पर पोस्टर भी लगा रखे हैं। ये देखिए गाइस, दोस्तों यहाँ पर पानी पीने की सुविधा भी उपलब्ध है। ये देखो गाइस, 3 वाटर प्यूरिफायर लगा रखे हैं। चलो दोस्तों अब हम चलते हैं भंडारे की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मीठे में खीर हलवा, सब्जी रोटी और छोले चावल मिल जाते हैं, साथ में देसी घी की रोटियां भी मिलती हैं। दोस्तों यहाँ की रोटियों में तो अलग ही टेस्ट है, देसी घी की रोटियों में तो मजा ही आ गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।